हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरी बाइक वहाँ पे खड़ी है और हम लोग आए हैं फुल टैंक करवा के माइलेज टेस्ट करवाने। तो चलिए बाइक के पास चलते हैं और वहाँ पे फुल टैंक करवाते हैं। फुल टैंक करवाने के बाद आप लोग का माइलेज टेस्ट, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मेरी बाइक खड़ी है और वहाँ पर आकाश, सत्यम सब लोग खड़ा है। तो चलिए इसको करवाते हैं पहले फुल टैंक और देखते हैं कि फुल टैंक कितना मिला। तो चलिए देख सकते हैं दोस्तों कि वहाँ पे होने लगा फ्यूल टैंक और हम हैं आकाश, सत्यम सब लोग अपना शूट कर रहा है। और देख सकते हैं यहाँ पे भैया मजाक कर रहे हैं, टंकी तो दिए कितना अमाउंट का रहा है। हम बोले कि अटाई दीजिए यार, वो जानते हैं, हम लोग को पहचानते हैं, इसलिए वो थोड़ा मस्ती बहुत चलता है। वहाँ पर फ्यूल टैंक करवाते हैं और देखते हैं कितना लीटर इसमें तेल आता है और कितना रुपया में ये टैंक फ्यूल होता है। पहले से थोड़ा बहुत तेल था, ज़्यादा नहीं था, और आप लोग को साइड में डाल देंगे बिल की, आप लोग देख लीजिएगा कितने का आया। फ़ोटो खींच कर निकलवा लिए थे फिर, तो देख सकते हैं यहाँ पे हो गया। थोड़ा सा हिला उला के देखेंगे कि और हटेगा तो और थोड़ा सा डलाएगा, क्योंकि एकदम अच्छे से माइलेज टेस्ट करना है दोस्तों। कोई शिकायत नहीं रहे, अगर से शिकायत कुछ मिले तो गलती सही के लिए माफ़ी कर दीजिएगा और बताइएगा यहाँ पर कमी है, तो उस वीडियो को हम भी सुधार करके अगला वीडियो लाएँगे। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर पेट्रोल भरा है, आएँगे लोग रिटर्न यहीं पर इसी टंकी पर हम लोग लेंगे, तो वहाँ पर लिस्ट निकल रहेगी, आप लोगों का फोटो खींच के डाल दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ट्रिप जीरो करेंगे और ट्रिप जीरो करने के बाद वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो आप सबको चलिए ट्रिप का जीरो करके दिखाते हैं। ट्रिप ए को जीरो करेंगे, देख सकते हैं 17600 कुछ गाड़ी चली है। यहाँ पर ट्रिप ए को हम किए जीरो, तो देख सकते हैं यहाँ पर हो गया ट्रिप जीरो। तो अब चलिए यहाँ से हम अपना वीडियो करते हैं स्टार्ट, बने के वीडियो। हेलो गाइस, तो वेलकम बैक। और देखिए कि अब यहाँ से हम लोग चालू कर दिए ट्रिप जीरो करने के बाद, आकाश वकाश आगे चल गया है, तो भाइयों पकड़ने के बाद चलते हैं। लेट हो गया है दोस्तों, थोड़ा काम में बिजी थे, घर के थोड़ा दिक्कत चल रहा है, इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रहा है। तो आज फुल टैंक करवाए, तो सोचे कि बोले कि हमेशा टंकी खाली करके माइलेज टेस्ट करते हैं, तो आज बोले कि चलिए फुल टैंक करके माइलेज टेस्ट करते हैं। सिटी प्लस हाईवे पे भी रहेगा, टू लाइन और फोर लाइन उसी का माइलेज टेस्ट होगा। देखिए अब नगर निगम से हम लोग जा रहे हैं बाहर, वहाँ पर अब कैसा रिकॉर्ड होगा बताइएगा लोग। और 25 किलोमीटर दोस्तों चलाएंगे, 20 से 25 किलोमीटर गाड़ी मेरी चलेगी। और 40-50 के लमसम एवरेज जो चलती है स्पीड, उसी स्पीड में चलेंगे ताकि रियल माइलेज पता चले। 80-90-100 वो बाई चांस ही कभी कभी चलता है, उसके बाद ही होता है। तो जितना नॉर्मल स्पीड रहता है डेली लोग यूज करता है वहीं पर। एक किलोमीटर चला चुके हैं अभी गाड़ी हम, और गाड़ी करवाना है दोस्तों अभी सर्विसिंग। 17000 से ऊपर चली चुकी है गाड़ी मेरी, और करवाना है सर्विसिंग। सर्विसिंग नहीं करवाए हैं और बोल तो रहे हैं थोड़ा घर में काम है और थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है कुछ, इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रहा है, और इसलिए थोड़ा गाड़ी सर्विसिंग भी नहीं हो पा रही है। तो सर्विसिंग करवाएँगे आने के बाद, वहाँ देखते हैं गाड़ी ऑटो को। देखिए ये सब माइलेज टेस्ट अपना, हाईवे पे चल के आप लोग को दिखाते हैं, तब तक बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि अभी एग्ज़ाम है। आज से पार्ट 3 का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है, तो रोड पे बहुत ज़्यादा हो गया है भीड़, और उसमें थोड़ा हम भी बिजी थे एग्ज़ाम के टाइम लेकर, इस वजह से हम भी थोड़ा जल्दी नहीं वीडियो शूट कर पाएँ, तो इस वजह से निकले हैं लोग थोड़ा लेट। तो मैनेज कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा। आके दोस्तों वहीं पे करवाएंगे, जितना दिखाए थे उतना ही करवाएंगे, और करवाने के बाद माइलेज निकालते हैं, देखते हैं कितना निकलती है, क्योंकि खाली माइलेज खाली करके निकालने पर भी निकलता है, लेकिन थोड़ा सा वो थोड़ा ना थोड़ा रह ही जाता है टंकी में। उसके बाद एग्जैक्ट अभी फुल करवा के उसके बाद देखते हैं कि एग्जैक्ट कितना निकलता है। देख सकते हैं आकाश लोग वहाँ पे खड़ा है, और 2.7 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल चुकी है। सामने से आ रहे हैं सूरज भगवान,
डूबते हुए सूरज भगवान को कर लिए प्रणाम। देखो इसी स्पीड में चलेंगे दोस्तों, 40 से 43 किलोमीटर, और 3 किलोमीटर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 3 किलोमीटर शो हो रहा होगा और आकाश 3 किलोमीटर हम लोग चला चुके हैं गाड़ी अभी यहाँ पे आप सब देख सकते हैं। और 20-25 ये रहा माउंट लिट्रा स्कूल, और ये रहा आरा का वाटर पार्क, आप सब देख के पहचानते होंगे। कमेंट कीजिएगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा। और हम लोग आ चुके हैं हाईवे पे और देख सकते हैं आकाश और ये सत्यम। बहुत दिन के बाद भाई आकाश से भी मिले हम लोग, क्योंकि एक साथ वीडियो नहीं आ पा रहा था। अब आएगा 25 से 30 किलोमीटर दोस्तों यहीं चलेगी बाइक, और बताइएगा कि अच्छा हो रहा है, मतलब बाइक कवर भी हो रही है कि नहीं। नहीं तो कभी कभार हो जाता है कि रोड ही कवर हो जाता है, अभी तो हम देख नहीं रहे हैं कि कैसा शूट हो रहा है। नहीं तो कभी कभार बाइक और होता है तो रोड का नहीं होता है, तो इस वजह से। और ये सब जानते हैं इस लाइन में, ये आरा बक्सर का है लाइन, तो इधर होटल ना बहुत खुला हुआ है। ये तो मेरे यहाँ पे मेरे गांव के पास है, आप लोगों को पता होगा कि हम लोग यहाँ से आके जब टंकी खाली करते हैं तो वहाँ पे खाली करके भी शूट कर चुके हैं, और टंकी खाली हुआ उस पर आप लोग बहुत सारा प्यार दिए हैं उस वीडियो को, जो मेरा फर्स्ट वीडियो था, माइलेज टेस्ट का ही था फर्स्ट वीडियो, टंकी खाली करके उसमें चेक किए थे। उस वीडियो को आप लोग बहुत सारा प्यार दिए हैं, ठीक उसी प्रकार इस वीडियो को भी प्यार दीजिएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। 9.5 किलोमीटर चल चुकी है, 12 चला के मुड़ जाएंगे लोग। तो बताइएगा लोग दोस्तों आप लोग को कहाँ का ट्रेवल ब्लॉग चाहिए, उस बार का टूर कहाँ का चाहिए, क्योंकि सासाराम चले गए लोग तारा चंडी, तो ये सब लाइट बढ़ जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी लाइट ऑफ है, 10 किलोमीटर हो गया है और 2 किलोमीटर जाएंगे, फिर उसके बाद रिटर्न ले लेंगे। देख सकते हैं, अरे वाह, लाइट नाम लेते दोस्तों लाइट भर गया, सरकार मेरी बात सुन रही है आजकल बहुत गौर से, आप सब देख सकते हैं कैमरा के ऊपर थोड़ा करते हैं, देख सकते हैं नाम लिए कि लाइट भर जाता, भर गया। ऐसा सरकार बात सुने तो फिर तो क्या ही कहना है। और वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो का टारगेट भी रहेगा दोस्तों 500 लाइक्स का टारगेट है वीडियो को, तो आप सब ज़रूर करवाएं इसको। 12.1 किलोमीटर चल गई है, आगे यहाँ से लेंगे लोग हम लोग उस रूट में, ताकि यहाँ से चले, देखते हैं आकाश वकाश कहाँ है। देख सकते हैं यहाँ पे 12.2 किलोमीटर चला है अभी, तो चलिए दोस्तों अब रिटर्न चल रहे हैं। 12.3 हो गया है, वहाँ पे जाते जाते जहाँ से पेट्रोल लिए हैं उसी पे जाएंगे फिर वापस। देख रहा था कि क्लिप डराएगा, इतना बजा कर रहा था लोग वहाँ पे। और आकाश भी शूट करना था, आकाश को भी, तो वहाँ पे रुक गया है वो आग पीछे वाला पुल पे, आगे वाला उधर, इधर से जा रहे हैं तो आगे वाले पुल पे। अब विथ पिलियन माइलेज टेस्ट हो रहा है भाई, पीछे एक बैठा है, सिंगल नहीं हो रहा है, तो विथ पिलियन माइलेज थोड़ा सा ड्रॉप होता है, और सिंगल चलोगे तो उसका माइलेज कुछ अलग आता है, तो इसका भी और चलाने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कैसे चला रहे हैं। अब इस पर ना क्लच का ज़्यादा इस्तेमाल है ना ब्रेक, कितना लोग क्लच इस्तेमाल नहीं करता है फिर भी ऐसे हाथ रख के चलाता है, तो उससे भी माइलेज डाउन होता है, इसलिए कभी भी चलाए तो क्लच पे थोड़ा सा भी हाथ नहीं रखें, क्लच से हाथ हटा कर ही। तो हो गया रात 22, क्योंकि वहाँ पे आकाश रुक के अपना शूट कर रहा था, तो हम लोग भी रुक गए थे वहाँ पे और उसका वीडियो शूट करने में थोड़ा हेल्प कर दिया, और उसके बाद यहाँ से निकले तो हो गया अंधेरा, और मोबाइल का कैमरा तो आप लोग जानते ही कैसा है, तो आप लोग थोड़ा सा, तो चलिए
देखते हैं जितना तक दिखाएगा, उसके बाद स्किप करके वीडियो को हम एक ही बार टंकी पे आप लोग को दिखा देंगे कितना किलोमीटर चला और फ्यूल टैंक करवा के। सीजा डाउन करने के बाद थोड़ा सी कर देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, और शीशा डाउन करेंगे नहीं तो आवाज़ थोड़ा जाने में प्रॉब्लम हो जाएगा, तो आवाज़ थोड़ा जाएगा तो मैनेज कीजिएगा। शीशा को अप करते हैं, आवाज़ आएगा बोलने पे, क्योंकि शीशा कलरफुल लेने के बाद ना भाई यहीं दिक्कत होता है रात में ड्राइव करते टाइम, शीशा डाउन करके चला नहीं सकते हैं, क्योंकि एक तो ऊपर से अंधेरा, शीशा डाउन करो और ब्लैक दिख रहा है, लग रहा है कितना रात हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं 20 किलोमीटर गाड़ी चली चुकी है 20, और जो भी वहाँ पे जाएगा पेट्रोल पंप पे अब जाने में जो भी 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर लगेगा, तो 20 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल चुकी हुआ। अब देखते हैं कि आकाश उकाश कहाँ पे है, आया है वो सब पहले ही पहुँच चुका है, हम भी आ गए। देखेगा पड़े 24.6 रुक जाएगा, कितना घूम के आइला मत 25 किलोमीटर और डाला कितना कोई जावा तने ब्रेक मारा, ब्रेक मारा वो जैसे डालने वैसे डाले तो कम नहीं जाए वैसे ही डाला तो देख सकते हैं जैसे कि दोस्तों हम लोग आ गए थे उस पेट्रोल पंप पे और अपना गाड़ी का फ्यूल फिलअप करवा रहे थे, और आप सबको डाल देंगे लिस्ट देख लीजिए कितना आया पेट्रोल इसमें और कितना माइलेज दिया और कैसा लगा वीडियो। आप लोग लाइक कमेंट और वीडियो को शेयर कीजिएगा। हम भाई इस माइलेज से संतुष्टि नहीं थे क्योंकि हमको 25 किलोमीटर चलाए, ज़्यादा नहीं 24.6 ही किलोमीटर चलाए, जब फुल टैंक हो तो कम से कम 100 किलोमीटर चलाना पड़ेगा, उसके बाद एक्यूरेट माइलेज निकलता है। 24.6 किलोमीटर में क्या ही पता चलेगा आप सब नहीं, तो देखिए आगे चल के हम करते हैं कैलकुलेट और दिखाते हैं आप सबको कि कितना माइलेज है। देख सकते हैं यहाँ पे आके 24.6 किलोमीटर चला, और यहाँ पे हम करते हैं कैलकुलेट, तो डिवाइड करेंगे जितना किलोमीटर चला उतना, और जितना पेट्रोल आया उतना, तो 0.27 लीटर आप सब देख सकते हैं इतना ही तेल आया है, तो इसमें से कैलकुलेट करने के बाद कितना का माइलेज 91 का माइलेज निकला, जो कि अपाची भाई दे सकती है इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी 25 किलोमीटर चला इस वजह से हुआ। आगे अगर आप लोग को दिखाया ये वीडियो, नेक्स्ट वीडियो लाएंगे टंकी फुल करके 100 किलोमीटर चलाएंगे और उसके बाद उसका कैलकुलेट करेंगे कितना आ रहा है। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।